अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे तुम इस लायक तो हो नहीं कि ढिल्लो परिवार की बहू बनो, लेकिन मैं ढिल्लो परिवार की बड़ी बहू होने के नाते अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। नीली, हाँ जी बीजी, हाँ जी, मुझे पता है कि आप खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे तेज का भी नया परिवार शुरू होने जा रहा है। इस कलश को ढकेल के अंदर आ। जी, इस अलते की थाली की तरफ देख के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार चेक करती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
जी, जिस तरह के माहौल में शादी हुई है तो सबके चेहरे उतरे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, है ना जी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये थाल मैंने तैयार किया है, किस हिसाब से इल्जाम लगा रही है तू मुझ पर? हाय पर जाई जी, कैसी गल्ला कर रहे हो आप? मैंने आपका नाम लिया है क्या? वो तो बीजी इशारे से समझाने की कुछ कोशिश कर रहे थे तो मैंने चेक किया है। तुम सबको चैन नहीं पड़ता ना? जब तक मेरी बेइज्जती ना कर लो, सबके कलेजे में ठंड पड़ गई मेरी बेइज्जती करके, कोई मौका नहीं छोड़ते आप लोग। मैं मानती हूं कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन अब शादी हो चुकी है और आज से ये मेरे तेज की बीवी है और उस हिसाब से मेरी बहू। मैंने अपनी तेज की बहू के लिए बहुत से सपने देखे, खुशी से या फिर नाखुशी से, मैं वो सारे सपने पूरे करूंगी। इसीलिए मैं सारी रस्में पूरी करूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे पास सारा दिन नहीं पड़ा तुम्हारे स्वागत में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ो और गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करो। चल पुत्र आजा, आज से डिल्लो हाउस तेरा ही घर है और इस घर की जिम्मेदारी भी अब तेरी है। रिमी जी, भाई साहब, बहू को तेज का कमरा दिखा दे। और हां, उससे पहले राजरानी, हमारे खानदानी जेवर जो हैं वो बहू के लिए लेके आओ। रुको, करम जी शायद भूल गए होंगे, लेकिन जब मैं पहले दिन इस घर में आई थी तो मेरी सास ने मुझे खानदानी जेवर देने से पहले मेरा मुंह मीठा कराया था खीर खिलाकर। अरे कहीं इसने इस खीर में वो कांच तो नहीं मिलाया हुआ? कहीं ससुराल में इस बेचारी का पहला दिन आखिरी दिन ना बन जाए। नीली, चलिए बेटा। ये ढिल्लो परिवार का खानदानी हार है।
यह हमारा खानदानी आ रहा है, लेकिन आज के बाद से ये जिंदगी भर के लिए तेरे गले का बंधा होगा। सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने ये प्लान किया है। इस नौकरानी का ऐसा स्वागत करूंगी कि वो जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। नीली, इसे कूड़े में फेंक। नहीं, ये मेरी माँ। बेटा, आज के बाद से हम ही तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। ये तो कुछ भी नहीं है, अब इस बार को तो जिंदगी भर उठाएंगे। क्या हुआ पुत्र? उफ भी किया ना तो तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। वो क्या है ना परम जी, कि लड़की को भारी और असली चीजें पहनने की आदत कहाँ है, तो करीब है ना। नीली, ये जो तेरी मांग में है ना, इससे दूर नहीं है, खून है। कितनी प्यारी लग रही है ना ये मेरी खूबसूरत बहू। ये हमारे खानदानी कंगन है, पैसे पे तेरी नजर थी वो तो तुझे मिल गया, लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, ये पैसा तेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती लेकर आया है। तेरी पैरों की भी बेड़ियां आ गई। तू जाके आराम कर, थक गई होगी। विमी, बहू को तेज का कमरा दिखा दो। जी भाई साहब। विमी, मैं जाऊंगी। मेरी बहू है, मैं लेकर जाऊंगी। अब पर वो मुझे बाथरूम। हाँ तो मैं लेकर चलती हूँ। कहना बेटा, घर इतना बड़ा है कि तुम कहीं खो ना जाओ। इसी बहाने से तुम्हें घर भी दिखा दूंगी बेटा। राजन पुत्र, इसे रसोई भी दिखा दे। कल इसे रसोई की पहली रस्म करनी है। ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी बनाई है। वाह मॉम, क्या खीर बनाई है आपने। जी दर्जी,
आज ये नीम के पत्तों से शहद कैसे टपकने लगा? ड्रामे कर रही है? है ही ड्रामे बास। एक छोटी सी कबूतरी थी, उसने एक दिन तय किया कि वो एक बड़े से पेड़ की टहनी पर अपना छोटा सा घोंसला बनाएगी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक बाज रहता था। छोटी सी कबूतरी जो थी ना, वो ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती थी, लेकिन बाज से ऊंचा तो कोई उड़ ही नहीं सकता। एक दिन बाज ने अपने बड़े बड़े पंख यूं खोले और छोटी सी कबूतरी को दबोच दिया कि कबूतरी का दम घुटने लगा, उसे सांस आने बंद हो गई। और तुझे पता है, उस दिन के बाद से वो छोटा सा घोंसला आज तक उजाड़ है, उसमें कोई नहीं जाता। हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मैं अभी आई। बेटा आगे से लेफ्ट, हाँ वहीं पे वॉशरूम। हाँ हाँ बोल। दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैडम जी, मैडम जी आप बाहर हैं क्या? कितने? बहुत सारे। अब आएगा ना मजा। अब इस दो कौड़ी की नौकरानी को समझ में आएगा कि राजरानी ढिल्लों से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। बड़ी आई थी मेरे बेटे का कमरा शेयर करने के लिए। जब माँ बाप की उम्र कमजोर हो जाती है ना, तो औलाद उनकी ताकत बनती है। मैं मानता हूं कि हालात ने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन हम दोनों ये नहीं भूल सकते कि तू मेरा खून है। पुत्र, मेरे सारे सपने, मेरी सारी उम्मीदें तुझसे हैं। और सच मान कि मैंने हमेशा तेरी भलाई चाहे है, तो अब भी चाहे तो हम इस बीच की दीवार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन पुत्र, अब तूने जिंदगी के उस पड़ाव में कदम रखा है जिसने तुम्हारे बाप को तो कभी खुशियां नहीं दी, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूं कि तेरी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। पुत्र, बहू एक ऐसी होनी चाहिए जो घर को बांध कर रखे, उदाल चीज
दालचीनी बहुत अच्छी लड़की है पुत्र। उसके कदम तेरी जिंदगी में हमेशा शुभ साबित हो गया पुत्र। तुझे एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं कि अपनी शादी को हमेशा निभाने की कोशिश करना। इतनी जल्दी आप इतना कैसे जान गए उस लड़की को? या सिर्फ वो आपको इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो मॉम को पसंद नहीं है? क्योंकि मॉम के खिलाफ जाना तो आपकी पुरानी आदत है ना। अपनी मॉम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ तेरी हो रही है। हाँ तो फिर मेरी मर्जी पूछनी चाहिए थी ना आपको। एक बार तो मुझसे पूछते कि तेज तू क्या चाहता है, पूछा आपने मुझसे? पुत्र क्यों गिले शिकवे का बोझ अपने सीने में लेके घूमना चाहता है? तो चाहे जितनी भी शिकायत कर ले लेकिन उससे हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना। और हकीकत यही है कि दालचीनी अब तेरी। दालचीनी मेरी कुछ नहीं लगती आप, ठीक है? मैं उसे अपनी बीवी कभी भी नहीं मानूंगा। उसने मेरी मॉम के इंसल्ट किया और उसके बदले ना वो सिर्फ सजा डिजर्व करती है, समझे आप?